हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उनके आंसर मैंने कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर किया है। बट मैंने सोचा कि एक वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे आपको मेरी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अगर ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकती हैं, मैं उनके आंसर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिनके स्क्रीन शॉट मैंने ले लिए हैं और मैं इनके आंसर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रिया शर्मा का। तो इन्होंने पूछा है कि कोई अच्छा सा मस्कारा बताइए जो कि वाटरप्रूफ नहीं होना चाहिए लेकिन वो आपकी लेसेस को वॉल्यूम दे, लेंथ दे। तो क्योंकि वाटरप्रूफ मस्कारा जो होता है उसे रिमूव करते टाइम हमारी लेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टूटती हैं या एक दो तो टूट ही जाती हैं। तो देखिए, अगर आप मस्कारा के लिए मुझसे पूछे तो फिलहाल अभी तक मेरा जो फेवरेट था वो था मेबलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। ये आपके लैशेस को बहुत अच्छे से कर्ल करता है और वॉल्यूम भी देता है। लेकिन अभी मेरा फेवरेट है वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा। फिलहाल ये आपकी लैशेस को वॉल्यूम लेंथ देता है लेकिन वॉल्यूम नहीं देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपकी लैशेस जो है वो ऐसे मतलब बहुत अच्छे से उभर के दिखें, आपको फॉल्स आई लैशेस की जरूरत ना हो। तो फिलहाल ये दोनों मस्कारा मुझे पसंद है और ये दोनों ही मस्कारा वाटर प्रूफ नहीं है। फिलहाल ये तो नहीं है, ये सेमी वाटर प्रूफ या मतलब हल्का सा वाटर प्रूफ आप समझ सकते हैं। लेकिन आप कोई भी मेकअप रिमूवर यूज करें तो उससे ये बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। फिलहाल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं खुद भी यूज करती हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि कभी भी अपनी आईज का मेकअप रिमूव करने के लिए या तो आप ग्लिसरीन यूज करिए या तो कोई ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज करिए जिससे आपकी आईज जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, मस्कारा अच्छे से रिमूव हो जाए और आपकी आईज भी अच्छे से रहें, उन्हें ज्यादा हर्ट भी ना हो। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है आपको कौन सा मस्कारा पसंद है। फिलहाल ये मस्कारा सबसे अच्छे है। और एक क्वेश्चन है ओवेस टेक का, पता नहीं इनका असली नाम है जो भी है। पिंपल्स और एक्ने प्रॉब्लम में ओलिविया कॉम्पैक्ट लगा सकती हूँ। आई थिंक ये लड़की है, लड़के पता नहीं, और इनकी एज जो है वो इन्होंने बताई है और मॉनसून सीजन है, इनकी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है। तो मैं एक चीज बता दूँ कि आपकी एज कोई भी हो और आपकी स्किन टाइप अगर ऑयली है और साथ ही साथ आपको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी कॉम्पैक्ट मत यूज करिए। अब आप सोच रही होंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो देखिए, जब हम कोई कॉम्पैक्ट यूज करते हैं और हमारे फेस पे अगर पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो और भी बढ़ती है। चाहे आप कॉम्पैक्ट को उसके पफ से यूज करें या फिर किसी भी पाउडर ब्रश से यूज करें, जब आप उसे ऐसे करके अप्लाई करती हैं वो जो पाउडर होता है वो आपके पोर्स के अंदर जाता है। ये बात सभी के लिए होती है। तो अगर वो पाउडर आपके पोर्स के अंदर चला गया तो उसी की वजह से आपको पिंपल और एक्ने बार बार होंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि जब तक आपके फेस के पोर्स और एक्ने अच्छे से एकदम अच्छे से ठीक ना हो जाए तब तक हो सके तो कोई भी मेकअप वियर मत करिए। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए या फिर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करिए और अपने फेस को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और एक चीज और, एक आफरीन पूछना, आई थिंक आपका नाम यही है, उन्होंने पूछा है कि गुड वाइब्स के कुकुम्बर जेल से पफीनेस खत्म होती है क्या। और मैंने उन्हें बताया था कि वो एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कैप्सूल यूज कर सकती हैं। तो फिर उन्होंने रिप्लाई बैक किया है कि उन्होंने यूज किया लेकिन इससे उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिला। फिलहाल एक चीज मैं और आपके साथ शेयर कर दूं कि एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि गार्नियर लाइट का ये जो आई रोल ऑन है इससे आईज पफी आईज जो होती है वो काफी हद तक धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। तो देखिए, मैंने आपके साथ ये कई बार शेयर किया है कि मेरे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा नहीं है, आईज भी मेरी बहुत ज्यादा पफी नहीं रहती हैं। कभी अगर कम सोना हुआ तो भले ठीक है, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। बट अभी मैं इसे रेगुलर यूज कर रही हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये बात सही है या नहीं। तो अगर उनके हिसाब से ये बात सही है तो आप इसे यूज कर सकती हैं अपनी पफी आईज को
मतलब उसे सही करने के लिए। और एक बात, अगर आपको पफी आइज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप आइस क्यूब यूज कर सकती हैं। किसी भी कॉटन के कपड़े में, कपड़ा साफ होना चाहिए, उसमें आइस क्यूब लपेट के या रब करके, सॉरी कवर करके, और उससे अपनी आइस पे धीरे धीरे अप्लाई करिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में गायब हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, रेगुलर फॉलो करती हैं, तो जो आपकी आइज की पफीनेस है वो दूर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब हेल्थ विद ब्यूटी ने कमेंट किया है कि मेरे फेस पे पिंपल्स होते रहते हैं। इन्होंने पूछा है, पतंजलि का सौंदर्य मुल्तानी मिट्टी स्क्रब का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें इन्होंने कमेंट किया है कि क्या ये उसके लिए वर्क करेगा या नहीं, कि या उन्हें यूज करना चाहिए या नहीं। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, ये बात सभी के लिए है, अगर आप में से किसी के भी फेस पे पिंपल्स हो, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप कोई स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई करिए या अपने फेस को एक्सफोलिएट करिए। देखिए, स्क्रब के फायदे होते हैं लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। अगर आप अपने फेस को स्क्रब करती हैं और आपके फेस पे पिंपल्स हैं, तो जो पिंपल्स होते हैं वो हर्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके फेस पे फैलते हैं और आपको और भी ज्यादा पिंपल्स होने लगते हैं या आपके फेस पे और भी ज्यादा पिंपल्स निकलने लगते हैं। तो इसलिए पहले आप अपने पिंपल की केयर करिए, वो ठीक हो जाए, उसके बाद ही आप कोई भी स्क्रब यूज करिए। अब स्क्रब यूज करते टाइम या चूज करते टाइम, बाय करते टाइम, इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि उसके जो पार्टिकल्स होने चाहिए वो छोटे और सॉफ्ट होने चाहिए। जैसे कि जो पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी स्क्रब है, पहली बात तो ये है कि उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, दूसरी बात यह है कि उसमें मॉइस्चराइजेशन बहुत ज्यादा है, और एवर यूथ का भी है, बायोटिक का है, तो ये सारे ही स्क्रब बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स के हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लीन एंड क्लियर का जो डेली ब्लैकहेड्स क्लियरिंग स्क्रब है, आप वो यूज कर सकती हैं, क्योंकि उसके जो बीड्स हैं वो बहुत छोटे हैं और साथ ही साथ बीड्स जो हैं वो बहुत कम हैं, जो कि आपके फेस को कम हर्ट करेंगे, आपकी स्किन को कम हर्ट करेंगे और आपके पिंपल्स को भी कम हर्ट करेंगे। तो आप चाहें तो उसे भी यूज कर सकती हैं, लेकिन पहले अपने फेस के पिंपल को कंट्रोल करिए, उसे ठीक करिए, उसके बाद कोई भी स्क्रब यूज करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गीता ने, और ये पूछती है कि अगर ये सुबह 8 बजे सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करती हैं और दोबारा उन्हें 12 बजे फिर से अप्लाई करना है, तो क्या ये अपने फेस पे ऐसे ही सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर सकती हैं या उसे धुल के उसके बाद अप्लाई कर सकती हैं? अगर इन्हें फेस वॉश, मतलब फेस धुलना है, तो ये फेस वॉश से धुलें या ऐसे ही पानी से धुलें? तो देखिए, आपके क्वेश्चन के लिए मैं एक बात कहूँ कि आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अजीब है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप घर से बाहर हैं और आप सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना चाह रही हैं, तो आपको फेस वॉश करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर से बाहर हैं तो आपके फेस पे धूल मिट्टी का पड़ना बहुत कॉमन बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप घर पे हैं और अगर आप काम कर रही हैं, तो आप उसकी वजह से आपके फेस पे बहुत सारे पसीना या स्वेट, ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है सभी को। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ट्राई यही करिए कि आप फेस वॉश यूज करके अपने फेस को धुलिए या वॉश करिए, उसके बाद ही सनस्क्रीन को रीअप्लाई करिए। और दूसरी बात, अगर आप घर से बाहर नहीं जा रही हैं, घर में आपको कोई काम भी नहीं है, आप बैठी हैं, रिलैक्स कर रही हैं, तब आपको फेस वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सनस्क्रीन को ऐसे ही अप्लाई कर सकती हैं। तो देखिए, सनस्क्रीन को जो अप्लाई करने का तरीका है वो हमारे एवरीडे रूटीन पे डिपेंड करता है कि हम वर्क करते हैं, कैसा वर्क करते हैं, बाहर जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान भी जरूर रखिएगा, क्योंकि फेस हमेशा क्लीन रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने फेस पे कोई सनस्क्रीन, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कुछ भी मेकअप, कुछ भी अप्लाई कर रही हैं, तो ये बात बहुत जरूरी है कि आपका फेस जो है उसे अप्लाई करने से पहले आपका फेस क्लीन होना चाहिए। तो आई थिंक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द्रक्षा कुरेसी की तरफ से, आई होप मैंने आपका नाम सही लिया है। तो इन्होंने अरोमा मैजिक ब्यूटीफुल स्किन ऑयल के लिए कमेंट किया है। तो ये पूछती है कि मुझसे तो किसी ने कहा था कि ये हेयर के लिए है, तो देखिए, जो अरोमा मैजिक का ब्यूटीफुल स्किन ऑयल है वो फेस के लिए है, हेयर के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
ये बात उस प्रोडक्ट पे भी मेंशन की गई है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी पढ़ सकती हैं। और रही बात कि वो हेयर के लिए है, उससे हेयर ग्रोथ होता है या कितनी जल्दी होता है, तो ये सारी बातें गलत हैं। उससे हेयर ग्रोथ नहीं होता है पहली बात, और दूसरी बात वो हेयर के लिए नहीं है, वो आपके फेस के लिए है। आपके आप चाहें तो आप उसे अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकती हैं, बट वो है आपके फेस के लिए। तो सारे क्वेश्चन फिलहाल फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगी, फिलहाल मुझे उनका नाम नहीं याद है, बट मुझे वो क्वेश्चन याद है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम अपने फेस को दिन में कितनी बार वॉश कर सकते हैं, चाहे वो फेस वॉश से हो या फिर पानी से हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ क्लियर कर दूं कि मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि फेस वॉश हमें दिन में 4 बार से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, या हमें फेस को दिन में 4 बार से ज्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि हमारे फेस का जो नेचुरल ऑयल होता है वो हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम अपने फेस को बार बार वॉश करते रहेंगे तो हमारे फेस का जो नेचुरल ऑयल होता है वो बार बार रिमूव होता रहेगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है या उसका साइड इफेक्ट हमारी स्किन को झेलना पड़ता है, या आप जो भी कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर दूं कि मेरा काम ऐसा है कि मुझे मेकअप यूज करना पड़ता है, स्किन केयर करना पड़ता है, तो मुझे अपने फेस को वॉश करना पड़ता है। लेकिन मैं पूरे 24 आवर में या फिर दिन भर की अगर मैं बात करूं तो मैं अपने फेस को 4 बार से ज्यादा वॉश नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 बार हो जाता है, लेकिन अगर मैं फेस वॉश यूज करने की बात करूं तो फेस वॉश मैं दिन में 4 बार से ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। मॉर्निंग में सभी यूज करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ। दोपहर में अगर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तभी मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं दोपहर में फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। इवनिंग में फेस वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोपहर में रेस्ट करते हैं तो उसके बाद भी आपको फेस वॉश करना चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं करती हैं तब भी आपको अपने फेस को वॉश करना चाहिए। और नाइट की अगर मैं बात करूं तो नाइट में तो फेस वॉश आपको जरूर यूज करना चाहिए, जिससे आपकी स्किन जो है वो डीप क्लीन हो जाए। तो ये थे सारे क्वेश्चन जिनके आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो या फिर स्किन केयर से रिलेटेड हो, तो उनका आंसर मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैवी एंड टेक केयर, बाय।